हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने जा रहे हैं मैसूर की फेमस मिठाई। बहुत ही लाजवाब होती है मिठाई और मुंह में जाते ही घुल जाती है, एकदम से मेल्ट हो जाती है। इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, तो आइए शुरू करते हैं हम इसे बनाना। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें तीन चीज़ें चाहिए, एक तो बेसन, चीनी और घी। बेसन और चीनी की हमारी जो क्वांटिटी होगी वो सेम होगी, और जो घी की क्वांटिटी है वो कम या ज़्यादा हो सकती है। तो उसके बाद हमने एक पैन लेना है और उसके बाद हमने इसमें बेसन डाल देना है, और जो गैस की फ्लेम है हमने बिल्कुल लो रखनी है, और जो बेसन है हमने इसे तब तक भुनना है जब तक इसमें से खुशबू नहीं आती, इसका अरोमा ऊपर को नहीं निकल जाता है, तब तक हमने इसे भुनते रहना है। देखिए, इस तरीके से आपने चलाते रहना है, आपने इसे चलाना नहीं छोड़ना है, नहीं तो कहीं से जल जाएगा, कहीं से कच्चा रहेगा। तो इस तरीके से आपने इसे चलाते रहना है, ये देखिए इस तरीके से। और जब ये भुन जाए तो ये हमारा भुन चुका है अच्छे से, अब हम इसे निकाल लेंगे। और उसके बाद हमने उसी पैन में चीनी ले लेनी है। हमने यहाँ पर एक कटोरी चीनी ली है और एक कटोरी हमने बेसन लिया था, उसमें हम आधी कटोरी पानी डाल देंगे। जितनी चीनी है उसका आधा पानी डाल देना है अपने इसमें बस। उसके बाद हमने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है। ये देखिए, हमने गैस जला लिया, फ्लेम को हम लो कर देंगे और इसे हम पकाएंगे। इसमें हमने फ्लेम को हाई नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं, आपने पेशेंस से बनाना है। कहते हैं ना, सबर का फल मीठा होता है, तो सबर से ही आपने काम लेना है इसमें। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसे पकाना है, ये देखिए इस तरीके से। तो ये देखिए, इसमें हमने तार नहीं बनने देने, बिल्कुल भी नहीं। ये देखिए, इसमें तार नहीं बन रहे हैं, ये देखिए। अगर आप इसमें तार बन गए तो जो आपकी मैसूर मिठाई है वो एकदम से हार्ड हो जाएगी। उसके बाद आप इसमें बेसन डाल देंगे, ये देखिए इस तरीके से, और इसको हम मिला लेंगे। ये देखिए, फ्लेम को हमने फ्रेंड्स लो ही रखना है, मैं आपसे बार बार बता रहा हूँ, फ्लेम को हाई नहीं करना है आपने, बस इसको मिलाना है आपने। और जो इसके लम्ब्स हैं वो लम्ब्स भी पूरे हटाने हैं। आप इस तरीके से घुमाते रहेंगे तो लम्ब्स जो है अपना आप टूट जाएंगे, ये देखिए। और आप इसे चाहें तो ये चीनी के पाक में ही थोड़ी देर इसे पका सकते हैं, ये देखिए। उसके बाद जब हमारी गुठलियाँ टूट जाए, लम्ब्स टूट जाए, उसके बाद आपने थोड़ा थोड़ा करके घी डालिए, और उसके बाद आपने इसे घी के साथ अच्छे से पकाना है इस तरीके से। इसमें घी हमने तब तक डालना है जब तक हमारा जो बेसन है वो घी पीना बंद नहीं कर देता, तब तक हमने इसमें घी डालते रहना है इस तरीके से। ये देखिए, ये घी के साथ पकता रहेगा, ये देखिए इसने पूरा घी पी दिया है फिर से। तो फिर हम इसमें थोड़ा सा घी ऐड करेंगे और इसे फिर से पकाएंगे। इसका मेन यही प्रोसेस है फ्रेंड्स, कि आपने इसे घी में पकाते रहना है जब तक जो हमारा बेसन है वो घी पीना बंद ना कर दे। ये देखिए, फिर से हमने इसमें घी डाल दिया है, और हम अब इसको फिर से घुमाएंगे। ये देखिए, अब इसने जो घी है वो अच्छे से पी लिया और घी छोड़ना शुरू कर दिया इसने। तो हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसमें जो लास्ट घी है वो पूरा घी इसमें डाल देंगे, ये देखिए, और इसे अच्छे से एक बार घुमा लेंगे, ये देखिए। और गैस की फ्लेम हमने बंद कर दी है बिल्कुल। तो उसके बाद हम इसे निकाल के किसी बर्तन में या किसी कंटेनर में आप इसे डाल दें। हमारे पास छोटे छोटे प्लास्टिक के कंटेनर पड़े थे, हमने इसमें बटर पेपर लगा लिया है, और इसको हम इसमें सेट करने के लिए रख देंगे। ये देखिए, इस तरीके से आपने इसे डालना है इसमें, ये देखिए, ये देखिए, इस पर दूसरे में भी हमने डाल दिया है पूरा। अगर इसमें आपको घी लग रहा है तो आप इसे घी निकाल सकते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, इसको आपने 4 घंटे के लिए ऐसे ही सेट होने के लिए रख देना है। ये देखिए, इसमें तो घी नहीं है हमारा, पर इसमें घी थोड़ा सा है, तो इसको हम निकाल लेंगे। देखिए, बस इसको आपने अब सेट करने के लिए रख देना है 3 से 4 घंटे के लिए। तो ये हमारे सेट हो गया है, 3 से 4 घंटे हो गए थे इसे रखे हुए, इसको हम निकाल लेंगे। देखिए, आसानी से निकल जाता है, ये देखिए, इसको हम फाड़ देंगे अब बटर पेपर को। तो
तो अभी देखना फ्रेंड्स कितनी सॉफ्ट मिठाई बनी हुई है, एकदम मुंह में जाते हैं मेल्ट होने वाली। ये देखिए हम इसे काटते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स कितने प्यार से कट रही है मिठाई। ये देखिए अगर हार्ड होती तो कट करके आवाज़ आती, पर यहाँ पर प्यार से हमारा जो नाइफ है प्यार से काट रहा है इसे। मैं आपको इसे तोड़ के दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा टेक्सचर आया हुआ है इस मिठाई का। तो आप इसे घर में एक बार ट्राई ज़रूर करें, आपको बहुत पसंद आएगी मिठाई। तो ये देखिए हमने इसके पीसेस काट के एक बाउल में रख लिए हैं, और ऊपर से हम थोड़े से आलमंड लगा दे रहे हैं इसमें काट के। तो फ्रेंड्स अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही हो तो अपने प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर करिए, और मेरे चैनल में बहुत सारी वीडियोज़ हैं उनको भी देखिए प्लीज़। तो कैसी लगी रेसिपी फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताना। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।